हेलो दोस्तों, एनएसके लैब न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कोरोना वायरस अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे पूरी दुनिया की कि पूरी दुनिया में कितने केस हो चुके हैं, उसके बाद बात करेंगे कुछ देशों की, और उसके बाद बात करते हैं हम इंडिया की, इंडिया में कितने केस हो चुके हैं, और फिर आगे बात करेंगे यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने केस हो चुके हैं। तो बात करते हैं हम पूरी दुनिया की, तो 63,61,612 टोटल कोरोना वायरस केसेस हो चुके हैं। कोरोना वायरस से जो मौतें हैं वो हैं 377,150, और जो रिकवर हैं वो हैं 29,81 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो बात करते हैं नंबर वन पे यूएसए है, जिसमें 18,59,174 केस हो चुके हैं, और अपना इंडिया सातवें नंबर पर है, जिसमें 1,98,370 केस हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो टोटल कंफर्म केस हैं वो 72,460 केस हो चुके हैं, और डेथ 1,543 लोगों की डेथ हो चुकी है, और 26,83 मरीज ठीक होकर अपने घर को जा चुके हैं। तो आगे बात करते हैं हम इंडिया की, तो इंडिया में पिछले 24 घंटे में 8,820 मरीज आ चुके हैं। इसी के साथ जो टोटल कंफर्म केस हैं वो हैं 2,07,191। तो ये एक वेबसाइट के थ्रू केसेस बताए गए हैं, तो ये आज सुबह 3 जून सुबह तक की खबर है, और जो एक्टिव केस हैं वो हैं 1,01,066, जो डेथ हो चुकी है वो है 5,829 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो उन्नाव ज़िले में पिछले 24 घंटे में 3 मरीज निकले हैं, इसी के साथ जो टोटल कंफर्म केस हैं वो 40 हो चुके हैं। मऊ ज़िले में पिछले 24 घंटों में निकले हुए मरीजों की संख्या 10 है, और जो टोटल मरीज हैं वो 39 हो चुके हैं। अगर एटा की बात करें तो 4 मरीज पिछले 24 घंटों में निकले हैं, इसी के साथ जो टोटल कंफर्म केस हैं वो 38 हो चुके हैं, और 24 मरीज ठीक हो चुके हैं अब तक। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुशीनगर में 3 पिछले 24 घंटों मरीज निकले हैं, इसी के साथ टोटल मरीज 27 हो चुके हैं। अगर बात करें हम गोरखपुर की, तो पिछले 24 घंटों में 7 एक्टिव मरीज निकले हैं, जिसमें जो टोटल कंफर्म केस हैं वो 111 हो चुके हैं। अगर प्रयागराज की बात करें तो 11 मरीज निकले हैं, इसी के साथ 106 केस हो चुके हैं। और मुजफ्फरनगर की बात करूं तो 14 केस निकले हैं, और टोटल कंफर्म केस 95 हो चुके हैं। और कन्नौज की तो 12 केस निकले हैं, 72 टोटल केस हो चुके हैं। और मथुरा में 6 केस निकले हैं पिछले 24 घंटों में, और प्रतापगढ़ में सिर्फ 1 केस निकला है पिछले 24 घंटों में। अगर आगे बात करें हम तो वाराणसी में 4 केस निकले हैं, इसी के साथ टोटल केस 197 हो चुके हैं। अगर हम जौनपुर की बात करें तो 1 भी केस नहीं निकला है। अमेठी में पिछले 24 घंटों में 23 केस निकल रहे हैं, इसी के साथ 171 केस हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में 12 केस निकले हैं, इसी के साथ टोटल कंफर्म केस 138। आजमगढ़ में पिछले 24 घंटों में 11 केस निकले हैं, इसी के साथ टोटल 122 केस हो चुके हैं। और अगर हम बात करें आगरा की, तो आगरा में 6 केस निकले हैं, इसी के साथ 896 केस हो चुके हैं। जो एक्टिव केस हैं वो मात्र 81 केस बचे हुए हैं, ये एक अच्छी खबर है। अगर हम बात करें फिरोजाबाद की, तो पिछले 24 घंटों में 14 नए केस आए हैं, इसी के साथ जो टोटल एक्टिव केस हैं वो 72 हो चुके हैं, और जो टोटल कंफर्म केस हैं वो 287। एक्टिव केस वो केस होते हैं जिनका इलाज चल रहा होता है। यदि आप भी जानना चाहते हो अपने डिस्ट्रिक्ट में कि आपके डिस्ट्रिक्ट